प्रदेश भर की तरह महू में भी भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा भाजपा कार्यालय पर प्रेसवार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के एक साल होने के बाद भी किसानों के कर्ज माफ नहीं किए जाने की बात कही। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सोमानी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार को एक वर्ष पूरा हो गया है, लेकिन कमलनाथ सरकार द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार आने के 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ होगा, अगर माफ नहीं हुआ तो हम अपना मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन आज दिनांक तक कई किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है और ना ही राहुल गांधी ने अपना मुख्यमंत्री बदला। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चला रही है, इसके अलावा उनका किसी और ध्यान नहीं है। बाइट अशोक सोमानी, जिला अध्यक्ष भाजपा। मित्रों, उन्होंने और भी कई वचन दिए थे कि हम 10 दिन में यदि हमारे मुख्यमंत्री इस घोषणा को पूरी नहीं कर पाए तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, इसके अलावा हम बेरोजगारों को 4,000 रुपये भत्ता देंगे। कहीं भी भत्ता नहीं दिया जा रहा। हालत तो यह है कि गरीब लोगों को जो विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा था, उन सब योजनाओं को बंद कर दिया गया कमलनाथ सरकार के द्वारा। JSR टाइम्स के लिए महू से जितेंद्र वर्मा की